गुड इवनिंग दोस्तों, ड्रीम जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वैकेंसी है उसमें है वॉल्क इन इंटरव्यू, सीएनसी एंड बीएमसी ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड, सीएनसी और बीएमसी ऑपरेटर चाहिए दोस्तों। क्राइटेरिया है 1 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस, आपने ट्वेल्थ की होनी चाहिए या फिर आईटीआई या फिर वी फ्रेशियर्स ऑल्सो अप्लाई। तो दोस्तों अगर आपने ट्वेल्थ किया है, आईटीआई किया है या आप बी के फ्रेशर हो और आपका एक्सपीरियंस 1 से 3 साल का है, तो आप 4 और 5 मार्च को 10 बजे से 1 बजे तक के और 2 बजे से 4 बजे तक के बुनेट्स टूल प्राइवेट लिमिटेड, P3S33MIDC, अम्बाड नासिक। दोस्तों ये नासिक की वैकेंसी है, वहाँ पे आप बुनेट टूल्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, वहाँ पे जा सकते हैं। आप इस पोस्ट के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आपको नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर दिए दोस्तों, जिसमें पहला नंबर है 9992973135 और जो दूसरा नंबर है वो है 7588466799। दोस्तों जो दूसरी वैकेंसी है वो है वाल्किन इंटरव्यू। देखिए दोस्तों, मैकेनिकल मेंटेनेंस में 10 पोस्ट है सेडेक्सो में, 5 तारीख और 6 तारीख। देखिए दोस्तों आज की 3 तारीख है, 5 तारीख को और 6 तारीख को आपका इंटरव्यू रह सकता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दोस्तों, ये टोटल 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसमें पहले नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल मेंटेनेंस एक्टिविटी ऑफ हीटिंग वेंटिलाइजेशन एंड एयर कंडीशनर एंड रिफ्रिजरेशन सिस्टम। दूसरे नंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है प्रिपेयरिंग प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, आपको PPM आना करना करते आना चाहिए, प्रिपेयरिंग प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल्ड एज पर द मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशन ऑफ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड एज रिक्वायर्ड। तीसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कैरी आउट एनी ब्रेकडाउन इमिडिएटली अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वैसा आपको मेंटेनेंस करना है। जो है दोस्तों नंबर 4 की रिक्वायरमेंट है वो है नॉलेज एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर और सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड एयर कूल्ड स्क्रू टाइप लिक्विड चिलर्स, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, चिल्ड वाटर सिस्टम, पैकेज्ड यूनिट, वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो यूनिट्स। दोस्तों ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको सौंपी जाएंगी और आपको उसको करना पड़ेगा। जो 5वें नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नॉलेज ऑफ पेसिव कूलिंग सिस्टम एंड एब्रोप्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दोस्तों इसी में से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। जो नंबर 6 पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नॉलेज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, फेज्ड आउट रेफ्रिजरेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रोसीजर टू डिस्पोज ऑफ अनवांटेज रेफ्रिजरेंट लिक्विड्स एंड गैसेस। नंबर 7 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों वो है नॉलेज ऑफ टेस्टिंग एडजस्टिंग एंड बैलेंसिंग TAB ऑफ एयर एंड चिल्ड वाटर सिस्टम। 8 नंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह नॉलेज ऑफ प्रोसीजर मेजर्स टू रिड्यूस नॉइस वाइब्रेशन एंड साउंड लेवल। नंबर नौ पे जो इंस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है इंस्पेक्शन इक्विपमेंट ऑफ देयर को इफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड ह्यूमिडिटीज परफॉर्मेंस। नंबर 10 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों नॉलेज ऑफ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम BMS। डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल ITI मैकेनिकल डिप्लोमा, टोटल वर्क एक्सपीरियंस 3 से 5 ईयर। देखिए दोस्तों अगर आपने ITI किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो 3 से 5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो दोस्तों आपको सैलरी मिल सकती है 18,000 से लेकर के 26,000 पर मंथ। फ्री फूड विल बी प्रोवाइडेड, आपको खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगेंगे, वो आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। और शेड्यूल्ड शिफ्ट रोटेशनल शिफ्ट रहेगी दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट। और COVID-19 के प्रिकॉशंस आपको लेना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइडेड और रिक्वायर्ड, मतलब आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सैनिटाइजिंग डिस्पैचिंग और क्लीनिंग प्रोसीजर इन प्लेस।
कैंडिडेट विद द एबो मेंशन एक्सपीरियंस कैन कॉल दिनेश। अगर आपके पास ये सब एक्सपीरियंस और ये सब डिप्लोमा और आईडिया है तो आप मिस्टर दिनेश को कॉल कर सकते हैं, जिनका नंबर है 9080512071, 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक। कैन सेंड यूर रिज्यूम टू द ईमेल आईडी, ईमेल आईडी दी हुई है दिनेश सर की, जो कि है दिनेश dinesh.babu@sodexo.com। तो दोस्तों इसी तरह से अपडेट लेटेस्ट जॉब पाने के लिए, जॉब की न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम जॉब को सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक दोस्तों फॉर योर इंटरव्यू।